पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी पर लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर पौड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वेष की भावना से काम करती रही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र की होगी। इसी क्रम में ठीक है, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब किए जाते हैं, राजनीति में होता है सारी चीज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई सच्चाई से कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो यही काम केंद्र की जो कुनीतियाँ हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है। केंद्र सरकार पता नहीं अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह के लगातार ऐसे कदम उठाए जा रही है जिनका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और हम ही नहीं सारे देश में सारे कांग्रेस जन इस चीज़ के खिलाफ है। क्योंकि ईडी के द्वारा पूछताछ में आपने पूछताछ की, वो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो कांग्रेस कार्यालय में घुसकर दिल्ली पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया, केंद्र सरकार के इशारे पे जो उन्होंने रवैया दिखाया, हमारे कांग्रेस जनों को लाठीचार्ज किया और कार्यालय में घुसकर बड़ी बर्बरता के साथ उनकी पिटाई करी, तो उसके विरोध में हम लोगों का आज ये प्रदर्शन है। और ये हमारा ही नहीं, आज सारे देश में प्रदर्शन हो रहा है।